हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर ये एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट है जो कि ये दो सर्किट्स को मिलाकर तैयार हो जाता है। फर्स्ट जो है वो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाला ये एम्पलीफायर, और दूसरा है द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल एंड कपलिंग कैपेसिटर का। ठीक है, तो ये दोनों सर्किट्स मिलाकर हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। फर्स्ट R1 R2, ये जो दो रेजिस्टर्स हैं ये वोल्टेज डिवाइडर का काम करते हैं, और ये ट्रांजिस्टर के बेस को बायस करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है इमिटर रेजिस्टर के पास। तो इमिटर रेजिस्टर ये इमिटर को बायस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके साथ ही ये इमिटर कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है ये इस सर्किट में जो डीसी कंपोनेंट्स, डीसी रिपल्स जो आते हैं उन्हें ग्राउंड करने के लिए ये कैपेसिटर यहाँ पर यूज़ किया गया है। फिर आता है हम RC के पास। यहाँ पर जो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाला एम्पलीफायर है तो यहाँ पर RC रहना चाहिए था, बट RC यहाँ पर रिप्लेस किया गया है RFC से, जो कि होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक। तो ये एक ज़्यादा कुछ नहीं, ये एक इंडक्टर है जो कि इस सर्किट को डीसी बायसिंग के लिए यूज़ किया गया है। और यहाँ पर एक क्रिस्टल भी यूज़ किया गया है जो कि कलेक्टर और बेस के बीच में सीरीज में कनेक्ट किया गया है, जो कि ये फीडबैक, हमें फीडबैक देने के लिए यूज़ किया गया है। और ये कपलिंग कैपेसिटर, मतलब ये सर्किट आगे दूसरे सर्किट्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर ये कपलिंग कैपेसिटर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर है हमारा प्लस VCC, मतलब पावर सप्लाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप इसकी वर्किंग। वर्किंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिस्टल यहाँ पर यूज़ किया गया है ये एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, और ये क्रिस्टल यहाँ पर नहीं यूज़ करते, इसका एक AC इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और वो सर्किट होता है ये सर्किट, मतलब एक RLC सर्किट होता है, और इन तीनों के पैरेलल में एक और एक कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, और इस सर्किट को हम कहते हैं AC इक्विवेलेंट सर्किट, जो कि क्रिस्टल को रिप्लेस किया जाता है इस सर्किट से। तो यही सर्किट यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और ये सर्किट हाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस को, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशंस को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर प्रोड्यूस कर देते हैं इस सर्किट को, तब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक डीसी बायसिंग करता है इस सर्किट को, और रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेट करना शुरू कर देता है, ये बायसिंग करता है, और ये आता है इस ट्रांजिस्टर के पास। यहाँ पर सिग्नल जो है, जो सिग्नल आ रहा है वो इंक्रीज होता है, और आपको तो पता ही होगा कि क्रिस्टल का एक बेसिक सा फंक्शन, अगर हम क्रिस्टल को मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्रिस्टल हमें एज अ आउटपुट वोल्टेज दे देता है, और अगर हम इसे वोल्टेज दे दे, दो प्लेट्स में होता है क्रिस्टल, अगर हम उसे वोल्टेज प्रोड्यूस दे दें तो वो हमें एज अ मैकेनिकल आउटपुट, मतलब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करके देता है। तो यही काम होता है क्रिस्टल का। तो यहाँ पर हम उसे वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बदले में यह हमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करके देगा, मतलब ऑसिलेशंस क्रिएट करके देगा। तो जो सिग्नल्स यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बेस के पास आ रहे हैं, तो वही जो हम इसे जो यहाँ पर डीसी वोल्टेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई जो दे रहे हैं यहाँ पर, तो वही एज अ मैकेनिकल आउटपुट हमें ये ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, और वही ऑसिलेशंस यहाँ पर बेस के पास आ रहे हैं सब, और वही सिग्नल्स, उसमें अगर कोई डीसी कंपोनेंट्स, डीसी रिपल्स आए हो तो वो बायपास कर रहा है ये कपलिंग इमिटर कैपेसिटर, और वही सिग्नल एम्पलीफाई होके एज आउटपुट हमें इस आउटपुट टर्मिनल पे मिल रहे हैं। तो ठीक है, तो यही वर्किंग है इस क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट की दोस्तों। अगर हम इस आउटपुट ऑसिलेशंस को, जो एट द आउटपुट टर्मिनल हमें जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, हम उस फ्रीक्वेंसी को अगर मेजर करना चाहें तो उसके लिए एक यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जो कि होता है एफ नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट LC। तो यहाँ पर L का मतलब है इंडक्टर जो कि यूज़ किया गया है, कैपेसिटर
कैपेसिटर का मतलब है कैपेसिटर, जो पूरी कैपेसिटेंस इस सर्किट में यूज़ किए गए हैं, और ये वैल्यूज अगर हम इस फॉर्मूला में पुटअप करें तो हमें जो फ्रीक्वेंसी इसकी मिलेगी तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी ये वी नॉट के साथ। ठीक है, तो यही पूरी बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों क्रिस्टल ऑसिलेटर की। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में जानने के लिए बहुत ही काम आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।